जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कल तक जो चीज़ें देखी थी उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? कल हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कर रहे थे और उसकी डिस्कशन थी, और अगर भी आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लीडिंग लैगिंग कॉन्फिडेंट, अच्छा कोई कोई इशू नहीं है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें लेट्स मूव ऑन। आज के दिन हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की डिस्कस करना चाह रहे। फिस्कल पॉलिसी होता क्या? हमने काफी जगह इसको आसपास में डिस्कस किया कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी policy of a state about taxes and government expenditure. This is called fiscal policy. अभी fiscal policy हमारा relevant कैसे है, कहाँ पे हमें relevance इसकी नजर आती है? वो जो हमने अपनी multiplier और accelerator के interaction के अंदर बात की थी कि जनाब multiplier और accelerator जब आपस में interact करते हैं तो उससे एक दम से फ्लो चल पड़ता है और आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अंदर चले जाते हैं, एक दम से की रिवर्सल लगती है और आप डिफ्लेशनरी प्रेशर की तरफ आ जाते हैं। और फिर हमने ग्रोथ के अंदर भी डिस्कशन की कि जनाब जब कभी ग्रोथ के लिए अगर आपको देखना है तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपकी अगर इकोनॉमी डाउन टर्न के अंदर रिसेशनरी मोड के अंदर जाने लगी है तो उस इकोनॉमी को आप कुछ पॉलिसीज के जरिए से उसकी डायरेक्शन को चेंज करें और दोबारा से रिकवरी वाली फेज के अंदर लेकर आने की कोशिश करें ताकि आपकी इकोनॉमी की अंदर जो नेशनल इनकम है वो ग्रो करे और ग्रोथ की जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके। सो हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होगी ये दो तरफा होगी, तो दो किस्म की फिस्कल पॉलिसी होगी। ऐसे ही है, इधर फिस्कल पॉलिसी रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमी दैट इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी स्टेट। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इन्फ्लेशनरी स्टेट में है कि डिफ्लेशनरी स्टेट में। इन्फ्लेशनरी स्टेट में क्या होता था? इन्फ्लेशनरी स्टेट में हाई सप्लाई ऑफ मनी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेबल थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होती है, आप
टर्म एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई और आपकी एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी स्टेट के अंदर आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, आउटपुट गैप इज मोर देन योर पोटेंशियल और ज्यादा आपके अंदर ये आपकी इकोनॉमी के अंदर आपके प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है। और डिफ्लेशनरी स्टेट के अंदर क्या होता था, डिफ्लेशनरी स्टेट के अंदर वी हैव लो मनी सप्लाई, मनी सप्लाई लो होने का मतलब क्या है कि जो रोटेशन है एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी की जो रोटेशन है दैट इज लो, वो कम है। और इसका मतलब क्या था, लो एडी एग्रीगेट डिमांड भी लो थी। और जैसे यहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर आवर एडी एग्रीगेट डिमांड भी लोअर साइड के ऊपर थी, हमें डिफ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी प्रेशर क्लियर है। ये यहां तक तो हम सारी वही डिस्कशन कर रहे हैं जो पीछे हम पढ़ते आए और काम करते आए उसी की बातें कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रखेंगी, हमने कहा फिस्कल पॉलिसी होगी और फिस्कल पॉलिसी को हम कह रहे हैं कि जनाब ये फिस्कल पॉलिसी दो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट होगी। इन्फ्लेशनरी स्टेट के अंदर फिस्कल पॉलिसी क्या होगी और डिफ्लेशनरी स्टेट के अंदर फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। इन्फ्लेशनरी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी दैट विल बी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, यानी कि आपकी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन रोकने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी, आपकी इकोनॉमी को रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट अपने तरकीब से अपने कोशिश से। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हम इसको कहेंगे एंड दैट में इसमें करना क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्सेस को इंक्रीज करेगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करेगी। टैक्सेस को इंक्रीज करने से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करने से क्या होगा, क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही ना, ये एग्रीगेट डिमांड याद है। तो टैक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, टैक्स इंक्रीज करने से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर कमी आ जाएगी, आपकी कंजम्पशन के अंदर कमी आ जाएगी, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज, हाउ योर कंजम्पशन विल डिक्रीज प्लस योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल डिक्रीज, योर इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज एंड इम्पैक्ट विल बी ऑन योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो आपकी एग्रीगेट ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जनाब हमारी एग्रीगेट डिमांड आगे चली गई है, इस एग्रीगेट डिमांड को हम खेच के वापस इक्विलिब्रियम के ऊपर लेकर आने की कोशिश करें ताकि जो वो हम हर की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है वो प्राइसेस में इजाफा कम हो जाए और हमारी प्राइसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर से निकल के वापस हम स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। तो उस मकसद के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को कम किया। एग्रीगेट डिमांड को कम कैसे किया, टैक्स इंक्रीज करते और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करते, ये दो टूल्स टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये दो टूल्स गवर्नमेंट के पास मौजूद होते हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करना फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। और जब इन गवर्नमेंट समझेगी कि उसकी इकॉनमी इन्फ्लेशनरी स्टेट के अंदर है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि टैक्सेस इंक्रीज करेगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी। टैक्सेस इंक्रीज करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके क्या किया उसने,
एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस किया, कंजम्पशन को कम किया, ग्रोथ स्पेंडिंग को कम किया, इन्वेस्टमेंट को कम किया, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। देन उसी का रिवर्स होगा हमारे जो डिफ्लेशनरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और इसमें क्या होगा, उसका रिवर्स, टैक्सेस को कम करें एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें। तो उसे होगा क्या, अल्टीमेटली योर एग्रीगेट डिमांड विल राइज। व्हाई? क्योंकि आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, प्लस आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी एंड प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसका इंपैक्ट आएगा और आपकी एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा। इस तरीके के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो आपका एग्रीगेट डिमांड लोअर साइड के ऊपर है, उस एग्रीगेट डिमांड को अपने आइडियल कंडीशन के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगी, ताकि इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा हो, इकोनॉमी के अंदर जो डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट आया हुआ है, सप्लाई साइड रिलक्टेंट है अपनी चीजें बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमांड कम हुई है, उस डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा हो जाए, आपकी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज और रोटेशन ऑफ मनी बढ़े। दैट मींस दैट विल बी द पॉलिसी फॉर डिफ्लेशनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फादर की मुश्किल, लॉ की मुश्किल, लेट्स गो टू फिस्कल पॉलिसी। Policy is undertaken by government against macroeconomic condition, therefore economic activity through use of taxation and spending. Expansionary policy, a macroeconomic policy that seeks to increase the rate of economic growth, expansionary, aggregate demand ko badhane ki koshish ki jaati hai. Iske andar kya karte hain, tax cut, tax rebate, tax kam kar diye jaate hain, rebates दी जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, पॉलिसी दैट सीक्स टू स्लो डाउन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या किया जाता है, इंक्रीज टैक्सेस, रिड्यूस सब्सिडीज, वेज फ्रीज की जाती है, स्पेंडिंग को कम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव कीप इन्फ्लेशन फ्लो, कीप एम्प्लॉयमेंट हाई, steady economic growth, equilibrium of balance of payment, balance budget. Budget भी तो आप, क्योंकि यहां से जो टैक्स मिलेगा उसी टैक्स को गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर स्पेंड करेगी, तो अगर वो टैक्स ही नहीं जनरेट हो सकेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी नहीं कर सकेगी। तो बैलेंस बजट के लिए उसको बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है फिस्कल पॉलिसी के, वो वैलिड ऑब्जेक्टिव है। ना सिर्फ उसने इकोनॉमिक डायरेक्शन को दुरुस्त रखना है, साथ साथ उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी स्टेबल रखना है, प्राइसेस को भी स्टेबल रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टेबल रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी स्टेबल रखना है और बैलेंस बजट भी बनाना है। तो गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक डायरेक्शन। जी, लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन लाया, इसमें फोर कॉस्टिंग का एलिमेंट है। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आज इकोनॉमी आपकी इन्फ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी है, हम इंपैक्ट अपनी टैक्स बढ़ाएंगे उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, हो सकता है ना प्रेडिक्शन है, ये प्रोडिक्शंस आपकी आपकी पॉलिसी को इकोनॉमी उस तरीके से रिएक्ट ना करे।
लिमिटेशन है कि हम जिस तरीके से फिस्कल पॉलिसी से मकसद हासिल करना चाह रहे हैं शायद हम वो मकसद हासिल ना कर सकें। क्यों ना कर सकें? क्योंकि हमारे पास जो टूल अवेलेबल है ये टूल हमें फोरकास्टिंग की फैसिलिटी की वजह से मिलता है, और फोरकास्टिंग के अंदर गलती भी हो सकती है, दुरुस्ती भी हो सकती है, बहुत कुछ फैक्टर रहते हो सकते हैं जो कि हमारी फोरकास्ट को इम्पैक्ट करें। फिर पॉइंट है कि आपने कहा कि टैक्स बढ़ा देते हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। भाई टैक्स बढ़ाने से एक काम से तो एग्रीगेट तो नहीं होगी, उसके दरमियान में इम्पैक्ट आएगा। आज आपने टैक्सेस बढ़ाए हैं, टैक्सेस का इम्पैक्ट कंजम्पशन के ऊपर आते आते महीना लग जाए, दो महीने लग जाए, छह महीने लग जाए, इम्पैक्ट आएगा। तो शायद लोगों के पास सेविंग्स बहुत ज्यादा पड़ी होगी, आपने अगर टैक्स बढ़ाया भी है तो वो करंट उनकी इनकम के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, सेविंग्स जो पड़ेगी उसको उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया तो कंजम्पशन शायद काम नहीं भी की हो। सो इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट टू बी फेल्ट इन द इकोनॉमी दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्राउडी डाउन, प्राइवेट सेक्टर भाग जाए, जब इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज करे तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से क्या हो सकता है? हमने स्कूलों के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल अच्छे स्कूल बनाने शुरू कर दिए, तो उससे क्या होगा? प्राइवेट स्कूल वाले भागने के लिए मांगेंगे, डेफिनेटली भागेंगे, क्योंकि जो उनकी मार्केट थी वो आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लोग जाना शुरू हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वाले तो हाई प्राइस के ऊपर चार्ज कर रहे थे, प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहे थे, गवर्नमेंट प्रॉफिट पर्पस के लिए तो नहीं करती। सो अगर आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दी तो हर सेक्टर के अंदर जहां पे आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे वहां पे क्राउडिंग आउट का इश्यू आ सकता है। फिर टैक्स रेज करना, टैक्स लो करना, इसके ना सिर्फ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी के लिए आपको जरूरत होती है, इसके और भी इम्पैक्ट होते हैं, मोटिवेशन का भी इम्पैक्ट होता है। आपने वर्कर्स के लिए टैक्स बढ़ा लिया के लिए कि कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन उनको डीमोटिवेट भी तो कर सकते हैं कि हाँ। तो लिमिटेशन है, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी थी। पब्लिक सेक्टर फाइनेंस क्या है? पब्लिक सेक्टर फाइनेंस अब गवर्नमेंट को भी तो फाइनेंस लेने की, कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्या गवर्नमेंट कर्जा लेती है? कभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कर्जा लिया हो? आजकल तो पाकिस्तान के अंदर तो काफी हमें ये अवेयरनेस मिल चुकी है जी, पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको 1,20,000 या 1,50,000 रुपए का मकदूर है, तो गवर्नमेंट ने कर्जा लिया हुआ है। अब गवर्नमेंट क्यों कर्जा लेती है? टाइम डिफरेंस आता है। टाइम डिफरेंस किस चीज का है? कि आज के दिन हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस इकोनॉमी को आज के दिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, आज के दिन कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की जरूरत है, और हमारी इकोनॉमी उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से ज्यादा नेशनल इनकम बनाना शुरू कर देगी। लेकिन वो जो ज्यादा नेशनल इनकम बनानी है वो आज नहीं होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के साथ, वो शायद 2 साल के बाद, 3 साल बाद, 5 साल के बाद जाके हमारी इकोनॉमी की पोटेंशियल इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि जो कि इस कर्जे को पे ऑफ भी कर देगी और उसको जरूरत भी रहेगी। तो हर इकोनॉमी को लामहला कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है स्पेशली। हमारे पाकिस्तान के केस में हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है।
दूसरी चीज एक तो ये एलिमेंट है इनकम और जो आज के दिन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमें हाई लेवल के करने चाहिए। दूसरी चीज आपकी डे टू डे एक्टिविटीज भी, गवर्नमेंट ने बजट बनाया, गवर्नमेंट ने बजट बनाया, बजट बना के उसने कहा कि मैं फॉर एग्जाम्पल टैक्स लूंगा अगले साल में 3500 बिलियन का मेरा टैक्स रेवेन्यू होगा और मेरे एक्सपेंडिचर विल बी, गवर्नमेंट ने भी तो अपना बजट बनाती है हर साल जून के महीने में बजट सुनते हैं ना, उसमें जाने की एक्सपेंडिचर टैक्स दूंगा 3500 का और 4000 का फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल बैलेंस बजट भी था, आइडियल बजट बैलेंस बजट 3500 का ही मैं एक्सपेंडिचर करूंगा गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन भाई जान ये थोड़ी होगा कि सेम टाइम के ऊपर आपको टैक्स भी मिल जाए और सेम टाइम के ऊपर आपको बजट आपके एक्सपेंडिचर भी हो, टैक्स आते हुए करते हुए उनके टाइमिंग में गैप होता है, उन टाइमिंग के गैप्स के दौरान में गवर्नमेंट को रनिंग रखने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इनके दरमियान में जो आपके इनफ्लोज हैं गवर्नमेंट का इनफ्लो और जो आपका गवर्नमेंट का आउटफ्लो है उसके दरमियान में भी जो टाइमिंग गैप आएगा, इनके दरमियान में टाइमिंग गैप होगा, दे विल नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड, तो उस टाइमिंग गैप को कवर करने के लिए भी गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है, पब्लिक डेट पब्लिक फाइनेंसिंग करवानी पड़ती करनी पड़ती है, ठीक है नहीं। अब यहां पे देखते हैं पब्लिक सेक्टर फाइनेंस, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रन इज हाउ द गवर्नमेंट पेज फॉर द पॉलिसीज दैट इट मस्ट इंप्लीमेंट, द मनी दैट इज स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट इज ऑफन नॉट विद इन इट्स पोजेशन इनिशियली एंड सो इट मस्ट बोरो इन ऑर्डर टू पे फॉर दैट। सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सोर्सेस कौन से होते हैं, द मेन वे ऑफ गवर्नमेंट विल फाइनेंस इटसेल्फ थ्रू इशुइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स टी-बिल और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो लोगों से कर्जा लेती है, उसे कहेगी कि जी आप मुझे कर्जा दीजिए पांच साल के बाद में आपको वापस कर दूंगा, वो बॉन्ड्स की जरूरत है, वो बॉन्ड्स इशू कर देंगे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर देंगे। In turn, it receives money now from investors and in exchange must pay them back at the future date. This gives government liquidity and allows them to finance their work. This is however classified as debt for the country. It is based upon the assumption that the government will pay back the holder of the bond at the prescribed future date. And here is public finance. National debt. Yeah. The level of national debt can become an indication of country's financial stability. It is unable to meet the obligation that it has made to its investors, and it is likely that the debt crisis may ensue, whereby investors become less confident that they will receive their money back, and so ask for a higher premium, which increases the cost of borrowing for government, making it more difficult for implement policy. Latest, I believe, Europe can the. डेट क्राइसिस थे यूरोपियन नेशन की, यूरोपियन कंट्री वहां पे डेट क्राइसिस आ गए, उस कंट्री को कर्जा वापस करने की सलाहियत के ऊपर डाउट हो गया और फिर उस कंट्री को यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करना पड़ा, उसको आके पैसे देने पड़े, बेल आउट पैकेज जिसको कहते हैं, वो पैकेज दिया और उसको फिर वापस लेकर आए। सो ये बेसिकली बात है जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट फाइनेंसिंग होती है, करनी पड़ती है। बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव, अब वो हमने देखा था वहां पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आपको बैलेंस करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव हमें फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव देते हैं ना, उसमें हमें मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव भी नजर आए थे कि आपने प्राइसेस को भी लो रखना है, एम्प्लॉयमेंट को भी हाई रखना है। अगर प्राइसेस को लोग रखेंगे तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमने क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी
डिमांड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको बैलेंस करना पड़ता है। बाय द नेचर द ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट विचेस टू मीट मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। In order to establish steady economic growth, there will be needed for the government to implement expansionary fiscal policy. Growth के लिए expansionary fiscal policy. Expansionary का मतलब क्या था? कि tax कम करें, government spending ज़्यादा करें. So this will result keep inflation low and also running a balanced budget. There will risk inflation तो नहीं रहेगी, balanced budget भी नहीं होगा. फिर expansion करने के लिए आपको future के लिए आज शायद कर्जा ज़्यादा लेना पड़ेगा. स्पेंडिंग आपको 2500 बैलेंस तो नहीं रखेंगे, चाहे आपको 5000 बिलियन स्पेंडिंग करनी पड़ रही है एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से कि फ्यूचर में हमें मिलेगा, तो यहां से एक प्रॉब्लम आएगी। इफ द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी एंड ट्रेड डेफिसिट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, दैट अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ रिसीव इज दैट देयर मे बी स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो सी Phillips curve can increase unemployment. Phillips curve के हम आगे बढ़ेंगे भी, unemployment भी increase हो जाएगी, inflation तो कम होगी लेकिन unemployment भी बढ़ जाएगी. Therefore, it will be impossible for government to be able to achieve all of its goals. Instead, it must prioritize and balance the objectives so that good combination is achieved. Due to fiscal budget, this can be somewhat contradictory, and this reason the fiscal budget has been established to keep government in check. This also ensures fiscal budget क्या है? वही जो हमारे यहाँ budgets हर सालाना budget जो पेश किए जाते हैं, government अपनी direction बताए कि economic direction क्या होगी, किस तरह से हम अपनी direction को रखेंगे. Then we have this taxation की पॉलिसी अभी हमने देख ली, फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन को हमने देखा, हमें पता चला कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो चाहता वो टैक्सेशन को कम करके ज्यादा करके अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन को लूज करती है, सही करती है जो उसकी समझ में साबित होती है. बट क्या टैक्सेशन का फंक्शन क्या है? What is the basic function of taxation? Fiscal, अभी हमने पढ़ा कि वो tax collect करेंगे तो spending कर सकेंगे. अगर tax collect नहीं होगा तो spending करने के लिए मुश्किल हो जाएगी. So they need to get the taxes from the masses to make those government expenditure. Then another objective of taxation is allocation. Allocation क्या है? कि अमीरों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएं और गरीबों के ऊपर टैक्स कम लगाएं, उससे क्या होगा कि आपके अमीर और गरीब के दरमियान में जो गैप है, जो फासला है, वो कम होगा. तो आप गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि मैं ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी बनाऊं जिसमें जो मेरी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के दरमियान में सोशल गैप बहुत ज्यादा ना हो, वेल्थी टू पुअर इसका कम रखेंगे स्टेबिलिटी के लिए. रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट भी है टैक्स लगाने का. अगर हमें पता है कि हम चाहते हैं कि सिगरेट का इस्तेमाल कम हो, हम सिगरेट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते हैं, रेगुलेट करना चाह रहे हैं कंजम्पशन को कि ना किस चीज की कंजम्पशन ज्यादा की हो, किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं वहां पे हम रिबेट दे देते हैं, और जिस चीज को हम डिस्करेज करना चाह रहे होते हैं वहां पे हम टैक्स हाई कर देते हैं ताकि लोग डिस्करेज हो चुके हैं. आजकल जैसे सिगरेट के ऊपर सिन टैक्स, गुना टैक्स लगाने का भी आवाज आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, कि जिससे आप लोगों को डिस्करेज करें, उन्हें पता एहसास हो कि ना ये नहीं हमें इस्तेमाल करना. इसी तरह से सिगरेट के ऊपर, इसी तरह से जो आपकी कॉर्पोरेटेड ड्रिंक्स हैं सारे के सारे पेप्सी को वगैरह, उसके ऊपर भी कोई सिन टैक्स, गुनाह टैक्स लगाने की आवाज है. इंसेंटिव, बाहर लोगों को इंसेंटिव देने के लिए भी रिबेट इंसेंटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कि आप ना गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट देगी, सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए आप इंसेंटिव देंगे, तो उसके लिए भी. तो टैक्स
इज नॉट ए मीन ऑफ ओनली ए मीन ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रेगुलेटरी मेजर, एज एन एलोकेशनरी मेजर, एज एन इंसेंटिव मेजर. फिर इकोनॉमिस्ट भाई ने कहा कि भाई आप सिर्फ टैक्स को ये ना समझिए कि टैक्स आपने लगा दिया और काम खत्म हो गया. इंसेंटिव की समझ लिए, इंसेंटिव की समझ क्यों नहीं आई. स्टिपुलेटिंग स्पेशल टैक्स अरेंजमेंट फॉर सेंट्रल मेंबर ऑफ सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास अचीवमेंट. आपने पाकिस्तान के अंदर भी है इंसेंटिव है, अगर आप फुल टाइम टीचर हैं तो आपके टैक्स लाइबिलिटी 50% रिड्यूस हो जाएगी. तो हम इंसेंटिव किसको दे रहे हैं कि आप फुल टाइम टीचर बने ताकि हम आपको टैक्स के अंदर लाइबिलिटी आपकी कम हो जाए, टैक्स आपको कम देना पड़े, तो इंसेंटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह से कई लोग हम रिबेट्स दे रहे होते हैं कि अगर आप हाउसिंग सेक्टर के अंदर करेंगे तो हम आपको रिबेट देंगे, फलानी जगह पे फलाने ऑर्गेनाइजेशन फलानी जगह पे आप जाके काम करेंगे एरिया के अंदर हम आपको स्पेशल टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ कहते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप बनाते हैं जिसके अंदर हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि 10 साल के लिए कोई टैक्स नहीं होगा. इस क्या कर रहे हैं, वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. फिर इकोनॉमिक्स भाई ने कहा कि टैक्स सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए नहीं है, इसको आपने और भी काम करते हैं. जो भी टैक्सेशन सिस्टम हो उसके अंदर ये कुछ कैनन्स मौजूद होनी जरूरी है. अब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, कैनन हम किसको कहते हैं, तोप को समझ लें. तो एक असला है, तो वो क्या है कि टैक्स सिस्टम के अंदर भी कुछ ये मामलात होने चाहिए. अगर आपके टैक्स सिस्टम के अंदर ये मामलात नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, ये कैनन्स ये मामलात नहीं होंगे, तो आपका टैक्स सिस्टम विल बी अ वीक सिस्टम. उनको उन मामलात को उन बातों को हमें बुनियादी असूल बुनियादी प्रिंसिपल्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन उनमें कहा जाएगा. ये ना समझिएगा कि आपने बस टैक्स का नाम बना दिया, 10 लाख रुपया इकट्ठा करना है जी, एक ही बंदे से इकट्ठे कर लो, ये 10 बंदों से कर लो, नहीं आपको सोचना पड़ेगा. उन प्रिंसिपल्स इक्वालिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए. इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या है कि आप टैक्स इस तरह से लगाइए लोगों के ऊपर कि जो लोग उससे ये ना समझें कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है. अमीरों से आप अगर आप सबसे 100-100 रुपया टैक्स लेंगे तो जिस बंदे की इनकम 1000 रुपया डेली है वो कहेगा मुझसे तो 100 रुपया ले लिया, 10% ऑफ माय इनकम हैज बीन गॉन एज अ टैक्स. एंड जिसकी 1 लाख रुपया डेली इनकम है वो 100 रुपया देगा तो वो कहेगा यार उसका तो पीनट्स की नीड से लिया. तो इक्वालिटी डज नॉट मीन के जी की सेम अमाउंट, इक्वालिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ इनकम सेम प्रोपोर्शन. The subject of every state are to contribute towards the support of government as nearly as possible in proportion to their respective ability, that in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of state. Equality of justice is most imperative canon of taxation, important principle. Then canon of certainty. कि certain होना चाहिए आप जो बात कहें. आज लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये काम करना है तो कितना टैक्स. अनसर्टेनिटी हो आपकी तो लोगों के अंदर परेशानी रहती है, लोग फिर काम उतनी तल्लुदों के साथ नहीं करते. अगर लोगों को आप पहले से बता दें, जिस तरह से गवर्नमेंट्स आजकल फिस्कल बजट जब देती हैं उसके अंदर बता देते हैं नेक्स्ट ईयर हम इम्प्लाईज के ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे, बिजनेसिस के ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे, वो पहले से बता देते हैं ताकि जो लोग अगले साल काम कर रहे हैं उनको पता हो, सर्टेनिटी के साथ पता हो कि जी कि हमने कितना टैक्स देना है.
कैनन ऑफ क्रिमिनियस टैक्स जब आपने देना है तो क्रिमिनियस के साथ उसमें आसानी, जो टैक्स पे रहा है उसकी आसानी देखें। अगर आपको पता है कि इंप्लाई से साल के बाद मैं कहूंगा तुम 1 लाख रुपया टैक्स दो तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो महीने की सैलरी शायद उसकी 1 लाख रुपया है लेकिन साल के बाद 1 लाख रुपया टैक्स दूंगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसे कहूंगा कि यार तुम हर महीने मुझे 8 हजार रुपया टैक्स दे दो तो उसको फिर मुश्किल नहीं होगी, वहां महीने 1 लाख रुपए में से 8 हजार रुपया मुझे टैक्स दे देगा। तो उसकी आसानी देखिए, उसकी आसानी देखिए। और कैनन ऑफ इकोनॉमी के टैक्स कलेक्ट करने में आप इतने पैसे ना लग जाए कि पता चले कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम हुई है और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो ज्यादा है, जैसा पाकिस्तान के अंदर हमने FBR में होता है। FBR का जो बजट है, जो उसके ऊपर स्पेंडिंग होती है वो ज्यादा होती है तीन जून के ऊपर, और उससे उस इलाके से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कम होता है। तो आपको टैक्स कलेक्शन करते हुए टैक्स के अंदर जो सिस्टम बनाना है वो आपको देखना है कि वो किस तरह का बनाइए जिससे कि इकोनॉमिकली आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हो। देन अदर कैनन्स हैं, ये आईकैप के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अदर कैनन्स हैं फिस्कल एडुकेसी और प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये सब फैक्टर्स भी आपको खसूसियात भी टैक्सेशन सिस्टम के अंदर देखनी है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है? चलो मैं आज के दिन के लिए इतना ही, हम लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे एंड लेट्स बी टुमारो इंशाल्लाह। जी मंडे को इंशाल्लाह, सो द टेस्ट विल बी ऑन मंडे फॉर चैप्टर 7। ओके, अल्लाह हाफिज़।